wishing you a very very happy करवा चौथ. I am सुष्मिता और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं so this is my channel Sushmita Diaries and I make videos about hair care and beauty. But today I'm going to do a very very special get ready with me. I think I've never done this before. इतने दिनों के बाद दिस टाइम यू नो वी आर एबल टू सेलिब्रेट ऑल दी फेस्टिवल्स यू नो विथ फुल एंथुजियाज्म एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव करवा चौथ बिहाइंड बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यू नो ओकेजन्स टू ड्रेस अप एंड ऑल्सो आई कैन क्लेम अ फ्यू गिफ्ट्स फ्रॉम माई हस्बैंड एज वेल. सो या आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. सो मैंने सोचा कि मैं जो भी ड्रेस होती हूँ जो मेकअप करती हूँ वट एवर आई शुड शेयर इट विद यू. सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग गेट रेडी विद मी जैसे हमेशा गेट रेडी विद मी होते हैं वाले. So we are going to do that. So make sure that you grab some snack और let's get started. As you can see, I've put on my bangles. ये मेरे red bangles हैं and these are my gold bangles. My husband gifted these gold bangles to me long back. I think when my daughter was born, and I'm expecting a similar gift this time as well. I hope he's listening. So I've washed my face and I've not applied anything. और सबसे पहले मैं एक ice facial करने वाली हूँ. मैंने मेरे ये आइस ग्लोब्स के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियो में बात किया था, आप देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया हुआ है एंड यू विल फाइंड द लिंक टू दिस वीडियो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो ऑन द स्क्रीन. सो बेसिकली व्हाट इट डज, इट हेल्प्स विद श्रिंकिंग दी पोर्स. मेरे फेस काफ़ी ऑयली है, माई स्किन इज़ लाइक ऑयली टू कॉम्बिनेशन एंड माई पोर्स आर क्वाइट लार्ज. सो ऑयल सेक्रेशन ऑब्वियसली वेरी वेरी हाई. और अगर आपका फेस पफी है जैसे मेरा फेस आप देख रहे हैं, इट्स लाइक लिटिल ऑन द चबियर साइड. सो दिस आइज ग्लोब्स हेल्प विद रिड्यूसिंग द पफनेस. और अगर आपकी आइज़ भी पफी रहती हैं या अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, सो वेन एवर यू यूज़ दिस इट हेल्प्स विद द पफनेस. एज आई सेड, इट ऑल्सो हेल्प्स विद रिड्यूसिंग द पोर साइज सो दैट द ऑयल सेक्रीशन एंड स्वेटिंग रिड्यूसेस और आपका मेकअप ज़्यादा समय तक फ्रेश रहता है और स्वेटिंग नहीं होती है एंड योर फेस लुक्स अ लिटिल लिफ्टेड. सो आई एम गोइंग टू बिगिन विद दीज यू नो आइस क्यूब्स. आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट फॉर लाइक अ मिनट और सो. सो लेट्स बिगिन. सो दीज आर सुपर कोल्ड. मैंने इन्हें फ्रिज में रखा हुआ था फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रब माई फेस विद दीज आइस ग्लोब्स. आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इन्हें डिस्कवर किया. अर्लियर आई यूज टू यूज़ आइस क्यूब्स बट इट्स नॉट रियली प्रैक्टिकल टू यूज़ आइस क्यूब्स क्योंकि वो बहुत मेसी होते हैं, हर जगह पानी ड्रिप होते रहता है. सो आई एम डन विद माई मिनी आइस फेशियल एंड माई फेस लुक्स अ लिटिल plump and fresh as you can probably tell. Now I will begin with moisturizing my face but before that let me just spray some rose water. Now I'm just going to apply some moisturizer. So basically my skin is very very oily, it gets oily, so I'm just going to use this super light moisturizer by Ponds. This is my go-to moisturizer. Whether your skin is oily or dry or whatever, you need to moisturize because if you don't moisturize, the signs of aging starts appearing really early. Now that my face is well moisturized, I'm going to prime my face and for that I'm using the Lakme Absolute Blur Effect makeup primer. Actually I have bought these in two sizes. ये full size product है और ये मैंने travel के लिए लिया है. बहुत सारे filling primers use किए हैं इसके पहले, जैसे कि मैंने बेनिफिट का यूज़ किया है, मैंने शुगर का भी यूज़ किया है और बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ किए हैं बट आई थिंक दिस वन वर्क्स रियली वेल. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये बहुत अफोर्डेबल भी है. जैसे मैंने स्मैशबॉक्स का भी यूज़ किया था फिलिंग मेकअप प्राइमर बट वो बहुत महंगा था. इट वॉज लाइक अराउंड 2500 रुपीज़ एंड द साइज वॉज जस्ट दिस मच बट ये बहुत ही अफोर्डेबल है. प्राइमर की थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर मैं जल्दी ऑयली हो जाने वाले एरियाज़ जैसे कि नोज़, चीक्स, फोरहेड, चिन पर अप्लाई कर रही हूँ. यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूँगी कि जब आप प्राइमर यूज़ करते हो तो उसे आपको घिसना नहीं है, यानी कि आपको उसे रब नहीं करना है. इसे आप टैप कीजिए ताकि आपके जो पोर्स हैं इनमें ये प्राइमर जो है वो फिल हो जाए, जिससे उनकी अपीयरेंस थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको ऐसे रब करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा और आपका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। सो मेरा ये प्राइमिंग हो गई है फेस पे। आई यूजुअली यूज़ माई फिंगर्स टू प्राइम माई फेस बिकॉज मुझे लगता है ब्लेंडर से वो प्रॉपरली पैक नहीं हो पाता। सो ये हो गई है प्राइमिंग। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कंसील अ फ्यू एरियाज, जैसे कि मेरी आइज के नीचे थोड़ी सी डार्कनेस है एंड अराउंड माई नोज। दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू ट्राई टुडे एंड दिस इज़ द मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर concealer and this is in the shade 130 which is medium। ये मेरे जैसे wheatish to dusky medium skin tone के लिए है। मैंने ये छोटा सा ब्लेंडर लिया हुआ है और टैपिंग मूवमेंट से मैं इस कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कभी भी किसी प्रोडक्ट को आप ऐसे रब मत कीजिए जिससे कि प्रोडक्ट डिस्प्लेस हो जाता है। इसे ऐसे हमेशा टैपिंग मूवमेंट के साथ में अप्लाई करना चाहिए, जिससे प्रोडक्ट जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और अपनी प्लेस पे टिका रहे। सो कंसीलिंग हमारी हो चुकी है और अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। सो फाउंडेशन मैंने दो मंगवाए हैं इस बार। मैं हमेशा से ये फाउंडेशंस यूज़ करती हूँ। एक तो है ये मेरा लैक्मे 9 to 5 और दूसरा है ये के बाय कैटरीना का फाउंडेशन। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशंस। इसका है शेड नंबर 125 वाई मीडियम। लैक्मे का जो शेड है वो है W240 वार्म बेज। मैं ये दोनों फाउंडेशंस आज यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं रीज़न बताती हूँ क्योंकि जो के ब्यूटी वाला जो ये फाउंडेशन है, इसकी जो फिनिश है इट्स वेरी नेचुरल, वेरी ड्यूई, जस्ट एज आई लाइक इट। और ये जो लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन है ये लॉन्ग लास्टिंग है। दोनों को मिक्स करके लगाने से एक नेचुरल ड्यूई फिनिश आती है विद मीडियम कवरेज। एक ही फाउंडेशन को हमेशा स्पॉन्ज हल्का गीला करके ब्लेंड करें, इससे सीमलेस फिनिश आती है। फ्रेंड्स, मेकअप फिक्सर में मैं यूज़ कर रही हूँ दी नेचुरल फिनिश वाला मेकअप फिक्सर बाय स्विस ब्यूटी। ये बहुत ही अच्छा ड्यूप है फॉर पैक मेकअप फिक्सर एंड आई यूज सेवरल हाई एंड ब्रांड्स, बट आई थिंक ये इतना अफोर्डेबल है एंड इट डज अ डिसेंट जॉब। इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसको टू अप्लाई सम। तो ये हमारा बेस फिक्स हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई आईज। सो पहले मैं ब्रोज फिल करूँगी एंड फॉर दिस आई एम यूजिंग द ब्रो परफेक्ट इनहैंसर बाय ब्लू हेवन। दिस इज अ ब्रो फिलर इन द शेड डार्क ब्राउन और इसके साथ में ये स्पूली आती है। सो आई एम गोइंग टू नाउ फिल माई ब्रोज। फ्रेंड्स, आई रियली फील दैट दिस प्रोडक्ट्स गिव यू रियल वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ये 150 रुपीज़ का है और इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है। और मेरी जो ब्राउज हैं पहले कितनी हल्की थी, बट नाउ यू कैन सी काफ़ी फुल दिख रही है। मे बी ये ओवरफुल भी दिख रही होंगी, क्योंकि बाकी का फेस जो है वो प्लेन है और सिर्फ ब्राउज ही प्रोमिनेंट दिख रही है। बट एज एंड व्हेन हम आई मेकअप करेंगे तो इट लुक बैलेंस। ये भी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ना आपको, मैंने सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है एंड नॉट टू इवन मेंशन किए मैंने सारे अमेजोन की फेस्टिव सेल से मंगाए हैं। द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो कि चल रही है अभी। सो बेसिकली आई हैव ऑर्डर्ड 3 palettes। वन इज़ दिस वन बाय लैक्मे एब्सोल्यूट स्पॉटलाइट एंड दिस पैलेट इज़ सनडाउनर। और जो दूसरा मैंने मंगाया है दिस इज़ बेसिकली अ ब्लश कम आई शेडो कम हाईलाइट पैलेट। सो दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइट। लेकिन जो मेरा सबसे फेवरेट है ना वो है ये वाला, कितना प्यारा है। दिस इज़ बाय मेकअप रेवोल्यूशन एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल पैलेट। छोटा है बट जस्ट लुक एट दी ब्यूटिफुल कलर सिलेक्शन इट हैज़। लैक्मे सनडाउनर के पैलेट से मैं ये पेस्टल शेड लेकर आईलिड्स पर ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ। अब मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से ये ब्यूटिफुल गोल्डन शेड लेकर मैं लिड्स पर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा आई शेडो एप्लीकेशन हो चुका है। इसके बाद हम लगाने वाले हैं लैशेस, आई लैशेस। पहले मैं आईलैशेस नहीं लगाती थी, सिर्फ मस्कारा लगा के आई यूज्ड टू बी डन, लेकिन फिर मैंने लैशेस ट्राई किए हैं और मुझे अब लगता है कि अब लैश के लगाए बिना मेरा मेकअप इनकम्प्लीट लगता है. इनफैक्ट इवन माई हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट्स की लैश लगाने से आइज़ और सुंदर दिखती हैं. तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको नहीं मालूम है कि लैशेस कैसे लगाया जाता है, सो इट्स वेरी वेरी ईजी. बिल्कुल कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है, अनकम्फर्टेबल होने की बात नहीं है. ज़रूर ट्राई कीजिए. और ये जो मैंने लैशेस लिए हैं ये मैंने अमेज़ॉन से रैंडमली पिक किए थे. व्हाट आई लाइक अबाउट देम कि ये मैग्नेटिक लैशेस हैं, मैग्नेटिक. सो बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें कोई मैग्नेट नहीं है, इसके साथ आपको क्या करना है कि आपको अलग से ग्लू की ज़रूरत नहीं है. इसमें एक आईलाइनर दिया हुआ है, आई शो यू क्विकली. So basically this entire kit comes with three things. One is of course three pairs of lashes. Then you have this eyeliner that comes along with it. You have this applicator to फिक्स दी लैशेस प्रॉपरली. तो इसमें क्या है ना कि ये एक आपको रेगुलर लाइनर ही है, लेकिन ये ग्लू भी है. सो आपको अलग से एक what you call lash glue लेने की ज़रूरत नहीं है. You just apply it as a liner and wait for it to dry और उसके ऊपर आप इसको stick करेंगे. So it'll be on its place जब तक आप चाहेंगे. So I'm really So friends, here are my lashes. But frankly it took me a while क्योंकि वो मुझे इसको लगाने में काफ़ी टाइम लगा. मुझे जो आदत है वो है ग्लू लगा के स्टिक करने की, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग एन आईलाइनर और उसके ऊपर स्टिक करना, इट टुक मी अ फ्यू अटेम्प्ट्स टू गेट इट राइट. अब आती है बारी ब्लश की, और मैं ये MyGlamm का कोरल पीच ब्लश आपको दिखाना चाहूँगी. ये बहुत ही प्रिटी शेड है जो कि इंडियन स्किन टोन्स पर बहुत सुंदर लगता है. यूजुअली जो बजट फाउंडेशंस होते हैं उनमें ये शेड्स नहीं मिलते हैं, यानी कि ऑरेंजिश. हालांकि जब मुझे ये शेड दिखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, जस्ट बिकॉज इट इज़ सो प्रिटी. और ये एकदम मैट है, इसमें शिमर पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है. अब ब्लश के बाद हाइलाइटर भी लगा लेते हैं. हाइलाइटर को हमेशा फेस के जो हाई पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि चीक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो जो कि लिप्स के ऊपर का एरिया होता है, या आईब्राउज के जो नीचे का एक एरिया होता है, इन पर लगाएं. सो फ्रेंड्स, मेरा हाइलाइटर भी अब लग चुका है. और आप ये सारे मेकअप को हम फिक्स करेंगे यूजिंग दी फिक्सिंग स्प्रे. सो बेसिकली मैं 2 बार फिक्सिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ. एक मैंने बेस को सेट करने के लिए किया था और एक आप करेंगे. मैंने वी आर लाइक ऑलमोस्ट थ्रू. सो जस्ट hold the bottle almost 10 inches away from your face and just spray very lightly. हमारा मेकअप हो चुका है फिक्स अप, और अब है हमारा टाइम लिपस्टिक लगाने का. और आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी बेटर कलर देन रेड. और मेरे पास यहाँ पे कुछ मेरे फेवरेट रेड लिपस्टिक्स हैं. प्रीवियस वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, जहाँ पे मैंने बेस्ट रेड लिपस्टिक्स के बारे में बताया है जो इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छा काम करती हैं और जो कि अंडर ₹250 हैं अवेलेबल. सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन दैट वीडियो. सो टुडे आई हैव अ फ्यू ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक्स, और मुझे लगता है कि मैं आज ट्राई करने वाली हूँ दिस लिप क्रेयॉन बाय स्विस ब्यूटी. और इसकी फिनिश बहुत अच्छी है, पिगमेंटेशन इसका कमाल का है, प्लस ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. सो आपको बार बार टचअप नहीं करना पड़ता. और ये मेरे ओवरऑल लुक और साड़ी के साथ भी आई एम श्योर मैच करने वाला है. सो लेट्स ट्राई इट आउट. जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बोला है, मैंने सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप चेक कर सकते हैं. तो चलिए जी, मेकअप तो हो गया है हमारा. अब मेरा फेवरेट पार्ट है जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और वो है करवा चौथ की साड़ी. सो फ्रेंड्स, मैं ये साड़ी आपको दिखाना चाहूँगी. आई गॉट दिस ब्यूटिफुल बनारसी ब्लेंड सिल्क साड़ी फ्रॉम अमेज़ॉन. और ये अमेज़ॉन का ना होम ब्रांड है विच इज़ कॉल्ड अनरवा. और इनके पास में बहुत तरह तरह की साड़ियाँ हैं, बट मुझे ये साड़ी इतनी प्यारी लगी व्हेन आई फर्स्ट हैड अ लुक एट इट. सो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे करवा चौथ पे थोड़ा सा हैवी और थोड़ा रॉयल काम अच्छा लगता है. पहनने के लिए। सो ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी साड़ी जस्ट बिकॉज इसका कितना भरा हुआ काम है। और इसका जो आंचल है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका आंचल, ये और भी ज़्यादा भरा हुआ आंचल है। और इसका जो कलर है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रेड इज़ अ स्टैंडर्ड कलर जो करवा चौथ पे पहनते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस पर्टिकुलर आइटम में, यानी कि इस ब्रांड के इस पर्टिकुलर आइटम में आपको 4 कलर्स अवेलेबल हैं। एक मरून है, एक रेड है जो ये है, एक वाइन कलर है और एक रेड का ही एक वेरिएंट है जिसको गाजरी बोलते हैं, विच मीन्स रेड और पिंक के बीच का कलर है। बट आई लाइक दिस वन द बेस्ट क्योंकि ये ओकेजन के हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा था। एंड दिस साड़ी केम विद द ब्लाउज पीस, तो मैंने इसका ये ब्लाउज बनवाया है। और ये जो ब्लाउज था ये फुल लेंथ था क्योंकि मेरी जो हाइट है और मेरा जितना वेट है उसके हिसाब से कम मटेरियल में ब्लाउजेस नहीं बन पाते हैं। बट दिस वाज अ फुल लेंथ ब्लाउज मटेरियल। और देखिए कितना सुंदर ब्लाउज मेरे टेलर ने मुझे बना के दिया है। आई एम सो हैप्पी। और इसके मैंने प्रॉपर एल्बोस तक के स्लीव्स बनाए हैं बिकॉज विद ट्रेडिशनल साड़ीज आई रियली लाइक ब्लाउजेज, यू नो दैट ट्रेडिशनल। आई डोंट लाइक शॉर्ट स्लीव्स और स्लीवलेस क्योंकि स्लीवलेस वगैरह हम हमेशा पहनते हैं। और देखिए कितना सुंदर भरा भरा इस पर प्रिंट है और आई रियली लाइक दिस वन। और बस एक चीज़ मुझे लगी साड़ी की कि जितना रिच इसका लुक एंड फील है ये वेट उसका इतना नहीं है, यानी कि बहुत भारी आपको मे भी देखने में लग रही होगी लेकिन ये फील करने में और उसको वज़न में ये बहुत लाइट वेट है। ऑब्वियसली ये प्रॉपर बनारसी साड़ी नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं कि ये पूरी ऑथेंटिक बनारसी साड़ी है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ लाइक ब्लेंड मटेरियल। अभी मैं काशी गई थी कुछ हफ्तों पहले और वहाँ से मैंने बनारसी साड़ियाँ ली हैं, सो आई नो द डिफरेंस कि ये बनारसी और उसमें क्या डिफरेंस है। बट द थिंग इज दैट फॉर दिस प्राइस आई थिंक दिस इज़ अ स्टील डील क्योंकि जो मैंने बनारसी साड़ियाँ ली हैं वो इस साड़ी से बहुत महंगी हैं। सो देयर इज़ नो कंपेरिजन एज सच। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्राइस में आपको ऑथेंटिक बनारसी मिलेगी तो ऐसा नहीं है। बट ये भी आइटम बुरा नहीं है। एंड फॉर लाइक यू नो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू कैरी समथिंग विच इज़ वेरी हैवी और विच इज़ वेरी ड्रेनिंग देन यू शुड गो फॉर इट। और चलिए अब मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ और मैं आपको मेरे बाल भी बना के दिखाऊंगी। तो लीजिए ये है मेरा फाइनल करवा चौथ लुक विद प्रॉपर साड़ी, हेयर एंड मेकअप। आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन बाय एंड टेक केयर।